Olive Tree Ventures Private Limited, Nutrition and Prosperity for All. 2010 में प्रमुख शोधकर्ता डीपी गढ़वाल की टीम ने एक नई बात नोटिस की कि न केवल ऑलिव का फल बल्कि ऑलिव की पत्तियां भी इन विशेष गुणों से भरपूर हैं। इनमें बहुत प्रचुर मात्रा में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए बहुत कारगर होते हैं और भारत के लोगों की जीवन शैली में चाय अभिन्न हिस्सा है। अगर हम ऑलिव की प्रोसेस चाय बना लें तो हम ऑलिव को भारत की जीवन शैली में शामिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ऑलिव खाने से लेकर दवाइयों और दवाइयों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक पहुंच गया था, लेकिन 20 लाख वर्ष पुराने अवशेष, 3,500 वर्ष पुराने खेती के इतिहास के बाद भी किसी ने ऑलिव की प्रोसेस चाय के बारे में नहीं सोचा। पूरी दुनिया के पास ऑलिव किसी न किसी रूप में था, लेकिन प्रोसेस चाय नहीं थी। शायद सोचा इसलिए नहीं क्योंकि इसके पीछे कहानी बननी थी, इसकी सफलता को अपने आप में इतिहास बनना था, इसको भारत में बनना था। टीम का विचार था कि प्रोसेस्ड ऑलिव टी बनाकर ऑलिव के गुणों को दुनिया में हर जगह उपलब्ध कराया जा सकता है। बस फिर क्या था, ऑलिव की ये टीम साल 2012 में ऑलिव से चाय बनाने में जुट गई। शोध, प्रयोग, जांच लगातार निरंतर चलते रहे, पर ये टीम लगी रही सालों साल। शोधकर्ताओं ने इंजीनियर्स की टीम के साथ मिलकर ऑलिव की पत्तियों की प्रोसेसिंग के लिए स्पेशल मशीन बनाने की तैयारी की, और फिर एक दिन इस टीम ने ऑलिव की पत्तियों को चाय के रूप में प्रोसेस करने की तकनीक खोज निकाली। बस इसके आगे की कहानी इतिहास बन गई। भारत ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया।